आज की वीडियो है स्विच बोर्ड वायरिंग कनेक्शन। स्विच बोर्ड वायरिंग कनेक्शन किस तरह से किया जाता है देखो। इसमें हम एक इंडिकेटर, चार थ्री पिन सॉकेट, उसके बाद चार स्विच, उसके बाद एक होल्डर, इसको किस तरह से वायरिंग कनेक्शन किया जाता है। हम सारी के सारी इसको स्टार्ट कर लिया हूँ स्विच, और उसको स्क्रू भी टाइट कर लिया हूँ। इसके बैक साइड आपको दिखाता हूँ, जो खुला है उसमें होल्डर लगने वाला है। अभी स्विच के जो नीचे की सारी के सारी चार स्विच के एक साथ इसके एक साथ वायर लगा के इसको स्क्रू से टाइट कर लेता हूँ। ये जो फेज की कनेक्शन है, जो ऑयल की कनेक्शन बोलते हैं, उसके बाद आप इंडिकेटर की ऊपर या नीचे जहाँ भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारा जो स्विच के नीचे की कंप्लीट हो चुका है। इसका जो ऊपर की कनेक्शन बचा है, जो एक एक जो जहाँ से एल लिखा है उस साइड हमें देना है, एन की साइड नहीं देना है। हम इसको मेजर कर लेता हूँ कितना वायर लगेगा, इस हिसाब से कटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद एक एक करके सारे में वायर लगा लेता हूँ। एल की साइड लगाना है, आप जो भी स्विच से लगाता है उसको एल की साइड लगाना है। हम सारी के सारी अभी दो लगा दिया, इसके बाद तीन, उसके बाद चौथा नंबर पे लगा रहा हूँ। जो उसके साथ जो होल्डर की है, तो एक वायर इसके साथ लूपिंग कर लेता हूँ। एक जो ये जो होल्डर की दो ब्लैक और रेड है, जो एल साइड जो है होल्डर की एक वायर और स्विच की जो आया है एक वायर, इसमें जो एक साथ चलेगा, एक साथ थ्री पिन सॉकेट भी चलेगा, उसके साथ होल्डर भी लाइट जलेगा। उसके बाद चार स्विच और कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम न्यूट्रल की कनेक्शन कर लेता हूँ। देखो इस तरह से अभी न्यूट्रल की कनेक्शन, हम न्यूट्रल कनेक्शन कंप्लीट किए थे, उसके बाद जो इंडिकेटर के नीचे में लगा दिया हूँ। उसके बाद हमारा जो बोर्ड वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये जो रेड वायर है, जो फेज की वायर है जो एल, अरे जो ब्लैक वायर है जो न्यूट्रल की कनेक्शन है, ये जो एन, पूरी तरह से हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाऊं, देखो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उसमें देखो चार स्विच, चार थ्री पिन सॉकेट, उसके बाद एक होल्डर, एक इंडिकेटर, पूरी तरह से वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी न्यूट्रल फ्यूज कहाँ से कनेक्शन देना है, देखो हम ब्लैक में इसको न्यूट्रल कनेक्शन है जो एन की कनेक्शन बोला जाता है, हेड में फ्यूज की कनेक्शन है जो एल की कनेक्शन है। अब इंडिकेटर या स्विच जो अब नीचे जो लगा है उसमें भी लगा सकते हैं। फ्यूज और न्यूट्रल की कनेक्शन कर लिया हूँ। मेन सप्लाई की कनेक्शन है, जो मेन कनेक्शन उसमें दूंगा दो वायर पे। इसके बाद हम अभी एक एक करके आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा पूरी तरह से ठीक हुआ या नहीं, वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं। इसमें होल्डर इसमें बल्ब लगा के आपको जला के दिखाऊंगा। उसके बाद और सारी फाइव पिन टेस्ट, अभी इंडिकेटर में लाइट आ चुका है, देखो इंडिकेटर रेड इंडिकेटर ग्लो हो चुका है। उसके बाद पहले हम एक एडेक्टर लेके आया हूँ, एडेक्टर लगा के आपको दिखाता हूँ। इसमें जो एडेक्टर है, जो ग्रीन एलईडी ग्लो होना चाहिए, आप स्विच ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद स्विच ऑन, देखो ग्रीन एलईडी ऑन हो चुका है। दूसरी में टेस्ट करता हूँ, देखो उसके बाद रेड हो गया, अभी ग्रीन हो चुका है। देखो पूरी तरह से सारी के सारे थ्री पिन सॉकेट भी ठीक है। उसके बाद हम इसको होल्डर को टेस्ट करेंगे, होल्डर में लाइट ग्लो हो रहा है या नहीं इसको टेस्ट करेंगे। ये जो देखो 100 वाट की बल्ब है, हम इसको लगा लिया हूँ। उसके बाद हम इसका स्विच ऑन करता हूँ, देखो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अभी एक बार अब एलईडी बल्ब को लगा के आपको दिखाता हूँ। ये जो देखो अभी स्विच ऑन करता हूँ, ये भी देखो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, वायरिंग कम्प्लीट हो चुका है। आप भी इस तरह आसानी से घर पर उसको वायरिंग कनेक्शन कम्प्लीट कर सकते। ये देखो किस तरह से, ये जो रेड वायर फेज की कनेक्शन है, इस तरह से आप भी आसान से कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्लैक वायर है, जो न्यूट्रल की कनेक्शन, एक एक सारे स्विच में एक एक गया है। देखो ये जो ब्लैक और रेड होल्डर के गया है, होल्डर थ्री पिन सॉकेट और होल्डर एक साथ स्विच ऑन करने से काम करेगा। इस तरह से आप आसानी से इस तरह से बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन कर सकता है।